यूँ तो मेरे पास एक कानपुर की एक रियल स्टोरी आई है। अभी जब ये दंगा फसाद हो रहा था कानपुर में, मुझे किसी ने बताया, वो पेपर में निकला हुआ कहता वहाँ के, ये हिंदू जो लोग होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं हिंदू लोग। यूपी के कानपुर की बात है, बाकरगंज निवासी खान परिवार अपनी बेटी जीनत की शादी की तैयारियां कर रहा था, जुटा था। ये अभी की बात, मुसलमान परिवार एक अपनी बेटी की शादी कर रहा था और वो सब तैयारी में थे। 21 दिसंबर को जब जीनत की बारात आने वाली थी, अचानक से कानपुर में वो दंगा फसाद वगैरह हुआ, या जो भी उस एक कानून को लेके स्थितियां बनी, तो उस स्थिति को देखते हुए वहाँ पे मामला बिगड़ा। प्रतापगढ़ से उनकी बारात आने वाली थी, असमंजस की स्थिति हुई कि भाई क्या करें, क्या होगा। घर बारात वालों ने भी मना कर दिया कि ऐसे में लाना बारात ठीक नहीं है, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, अब ऐसे आएंगे तो क्या स्थिति बिगड़ जाएगी। तो बेटी भी शादी की तैयारी कर रही थी, नाम जीनत उसका, सब तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा माहौल बना जिसको मना कर दिया जा रहा था। उस लड़की का कोई पिताजी थे नहीं, चाचा ही उसकी शादी में लगा हुआ था, चाचा ही शादी कर रहा था उसकी। और जब ये फाइनल हो गया कि बारात नहीं आएगी, तो उनके पड़ोसी विमल चपड़िया जी को जब इसकी बात जानकारी हुई, तो उन्होंने खान परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। साथ ही सोमनाथ तिवारी जी और नीरज तिवारी जी को लेकर वह खान फैमिली से मिले और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप टाइम पे बारात बुलाइए, आपकी बारात सुरक्षित होगी, आपका उत्सव अच्छा होगा, ये आप ही की नहीं हमारी भी बेटी है, और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे, आप सिर्फ बारात बुलाइए। उन्होंने बारात बुलाई, इस बात के लिए वो सब एग्री हो गए, बारात आई और ह्यूमन चेन हिंदुओं ने बनाई। ये पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। ह्यूमन चेन हिंदुओं ने बनाई, बारात को बीच में लिया और हिंदुओं ने उस बारात को चढ़वाया और लेकर गए बारात को, और बड़ा सुंदर तरीके से दिव्य तैयारियां करके उस बच्ची की शादी करवाई। कानपुर की बात है, 21 दिसंबर की बात है, 21 दिसंबर की बात है, अभी की। जब वो बच्ची लौट के आई वापस, तो उसकी खुशी देखते बनती थी, बड़ी खुश थी। लेकिन सबसे पहले उन पड़ोसियों के यहाँ गई, सबको शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन पड़ोसियों ने, जो भी हमारे हिंदू भाई थे, तिवारी जी, चापड़िया जी इत्यादि सभी लोग, उन्होंने एक ही बात कही कि आप इस परिवार, इस मोहल्ले में बड़ी हुई हैं, खेली हैं, आगे बढ़ी हैं, और आप सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी नहीं, हमारी भी बेटी हैं और हमारी बहन हैं आप। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इसलिए हिंदू जो है दयावान भी है, श्रद्धावान भी है, समर्पित भी है। हम लोग हमेशा से एक दूसरों की मदद करते आए हैं, करना चाहिए भी, अच्छी बात है, देश तभी आगे बढ़ता भी। और ये मुझे अच्छा लगा, तब मैंने कहा कि मैं इसको कथा में बोलूँगा, लेकिन फिर एक बात कह रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूँ कि ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए, जब दोनों तरफ से ताली बजेगी तो और भी हमारा देश प्रगति करेगा। हमेशा से एक ही व्यक्ति अच्छा बना रहेगा, दूसरा व्यक्ति भारत को जलाने की बात करेगा तो ठीक नहीं है, फिर कब तक होगा ये सब सहायता इत्यादि। तो
तो मैं इस कथा के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी से, सभी प्रेमियों से, भारतीयों से, सभी धर्म के धर्म गुरुओं से भी ये निवेदन है, इस देश को हम अपना समझें। और सरकार जो कानून लेके आई है वो देश में रहने वाले लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है उसमें। बाहर से आने वालों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाहर से ज्यादा लाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि इस देश में अब ज्यादा ठौर है भी नहीं। ऑलरेडी संख्या, जनसंख्या जो है अभी 21 में जब 20 में या 21 में जब जनसंख्या आएगी निश्चित हम लोग 150 पे पहुंचेंगे। अभी तो 130 से 135 करोड़ बता रहे हैं, हम 150 हैं होंगे ऑलरेडी, गिन तो लो कोई, हमें बहुत बड़ी संख्या। और इतना हमारे देश पे जो स्थिति है व्यवस्था नहीं है, तो बाकी के और मुल्क बहुत हैं आप लोगों के, आप आनंद लीजिए। यहाँ जो रह रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मूलतः भारतीय हैं और उनका भी आदर हमारा देश करता है और उसका उदाहरण है ये कानपुर की घटना।